हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। आज मैं आपको आईपीएल से रिलेटेड बड़ी बड़ी खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल सके। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूँ जो बीसीसीआई के हवाले से निकल के आ रही। बीसीसीआई खिलाड़ियों को लेकर काफ़ी चिंता करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक बीसीसीआई ने 20,000 टेस्ट रखे हैं पूरे आईपीएल सीज़न में। वो 20,000 टेस्ट करेगी पूरे आईपीएल सीज़न में, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और उसमें लगभग 10 करोड़ रुपए बीसीसीआई खर्चने वाली है। यानी कि इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि बीसीसीआई इस साल खिलाड़ियों को लेकर काफ़ी सख्त रहने वाली है। और खिलाड़ियों के लिए भी अच्छी खबर है कि वो लगभग 20,000 टेस्ट उनके होंगे, उसके बाद ही आईपीएल ख़त्म होगा। यानी लगभग 10 करोड़ रुपए इस साल आईपीएल सिर्फ खिलाड़ियों के टेस्ट पर ही खर्च करने वाली है। और दूसरी बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है वो हेड्रोस वेलजोइन के हवाले से खबर निकल के आ रही है। उन्होंने कहा है कि इस साल किंग्स इलेवन पंजाब टीम ही आईपीएल में जीत सकती है। हेड्रोस वेलजोइन ज़बरदस्त साउथ अफ्रीकन बॉलर है। उन्होंने कहा है कि किंग्स इलेवन पंजाब इस साल आईपीएल जीतेगी। उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया, डिक्लेयर किया कि आईपीएल में इस साल किंग्स इलेवन पंजाब ही जीतेगी। और तीसरी बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता दूं जो निकल के आ रही है हरभजन सिंह के हवाले से। हरभजन सिंह, मैंने कल बताया था आपको कि हरभजन सिंह कैसे 2 सितंबर को टीम को ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि हरभजन सिंह टीम को ज्वाइन करे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जल्द ही हरभजन सिंह टीम को ज्वाइन भी करेंगे और उसके बाद क्वारंटीन भी होगा और उसके बाद वो प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे। लेकिन अभी अभी तक कोई खबर नहीं आ रही है कि उन्होंने टीम के साथ ज्वाइन किया है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। थैंक यू।